बेटा। हेलो जी, बैरिस्टर राधा नरेश स्पीकिंग। जी जी, ओके, आई जस्ट कॉल बैक। बेटा मेरी कुछ बुकला के साथ जरूरी मीटिंग है, काउंसिल कॉल पे। हां जी आया, बहन का ख्याल रखना। हां, और फ्रेंड्स कॉल करने लगे हो, वेले आ जे, मीडिया भेज रहे हैं। श्रास भाई, आप यहां खड़े हुए, मैंने तो आपको मीडिया से मिलवाना है। ये तो वो हिसाब हो गया ना, मैं तेरी सुस गवा चुकी। इतनी सोनी कुड़ी के सामने जे मैं कुछ कह ही ना सकिया तो फिर? ओहो, मेरा भाई सारी उम्र बोला ही रहेगा। और मेरे प्यारे भाई कुछ बातें आंखों से भी कह सकते हैं। मेरी आंखें तो आपस में नहीं मिलती। आपको नहीं पता, मेरे भाई की आंखें बहुत खूबसूरत हैं। चले चले, मैं आपको अपनी मीरा से मिलवाऊं। जी मैं उन्हें पसंद ना आया थे। तो क्या हुआ? अगर उसका रंग गोरा है, आपका सांवला? वो तो ग्रीमे लगा दिया। उसकी आंखें बूढ़ी हैं, आपकी काली। हाँ, एक बात अलग है, वो जहाँ गाती है वक्त रुक जाता है। और मेरा भाई ठहरा बाथरूम सिंगर। पर एक बात बताऊँ आपको भाई, वो भी तकदीर बदल दी, क्या ही बात। तकदीर बदलने वाला उत्ते बैठा है। वो वाली गाड़ी जिसकी छत नहीं होती। ऊपर उसके आ जाता है, वो सांडू आ जाता है, कुछ नहीं होता। अभी वैसे नहीं जो आए तो मैं समझिया तुसी आउंदे ही हैं। गुड लुकिंग, थैंक यू। बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा है। हां जी, हां सी भैया, ये डायरेक्टर ने दिया भाई, मैं तो इतने जोगा। ओके, क्या मसला हुआ भाई? वो आर यू स्विच भाई है भाई, ये मेरी सिस्टर है। इजी होती बैठ के, बिल्कुल ना। तो आप इनकी सिस्टर? हु आर यू? बड़े प्रश्न से हो। व्हाट डू यू मीन? व्हाट यू डू मीन? What are you talking to me? You don't speak English. I know very well English. I understand. Yes, I know very well English. Mango juice, chitriya, kya, si, and you pa. Bhaiya. Koi baat. Nahi, upar aise hi hota hai. Lage raho, upar aise. Ha, broad minded. Ha, broad minded. Good. Aapka brother bahut acha hai. Bhaiya. यार आपकी बैंकिंग साथ नहीं सकती, मैं तो यूके ले जाऊंगा। कर ले सर, मुझे कोई इतराज नहीं। अगर आप वो लाइक करती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन आपने इतनी एनके रखी हुई है, ये किस किस्म की है? ये जब वो मैंने लड़की की तरफ देखना फहरा और लगाओ मेरी, लेकिन आपकी सिस्टर से ना नजर नहीं आ रही। हाँ जी, वैसे देखना चाहता हूँ। यार कैसे मैंने सांप लगाया, आपको शुगर है। और मुझे सांप लगाया, आप बहुत मुतमिन है भाई। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, क्या आप मुझे मौका दो, मैं आपकी पूरी फैमिली बसा दूंगा। यार मैं बहुत नाटक आती जल्दी बता रहा हूँ, आप कोई छुट्टी कहीं टेंशन ले रही है। मैं कह रहा हूँ भाई जान, रिश्तेदारी कर ले, काट लो जो कर, आओ घर के साथ, चले आओ आओ। कि मीरा की शादी, सॉरी मुमताज की शादी हो गई है, तो मीरा के बारे में कुछ सोचा है आपने? अब वो बड़ी हो गई है, फराज के घर वाले शादी पे आए हुए हैं और वो मीरा का रिश्ता मांग रहे हैं। क्या लड़की को गाना आता है? नहीं आता तो आप सिखा देंगे। फराज का बाप इस शहर का बहुत बड़ा वकील है, उसी तरह फराज इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। फराज बेसुरा बाथरूम सिंगर है। कितना बड़ा सिंगर बनूं कि मेरे आगे पीछे लोग हो, मेरा अपना म्यूजिकल हॉल हो, दुनिया भर से लोग आकर वहां पर म्यूजिक सीखे। और मेरी ख्वाहिश पूरी की तुम्हारे बाबा ने, उन्होंने मुझे गाना सिखा दिया। मैं अपना म्यूजिकल हॉल बनाऊंगा और उसकी ओपनिंग करोगी तुम मीरा।
बंद करो। यहाँ वहां तुम म्यूजिक हॉल बनाते रहना और यहाँ यहाँ ये लोग मुझे ब्याह पर ले जाएंगे और तुम शॉर्ट्स पहनकर नाचते रहना। अरे किसकी जरूरत है तुम्हारे साथ शादी करे, जो कोई भी तुम्हारे साथ शादी करेगा मैं उसको जान से मार दूंगा। हर वक्त बचना, हर वक्त फजूल की बातें, ये वही डायलॉग है। क्या घर में मेरी शादी की बातें हो रही है और तुम खड़े रहना जब वो लोग मुझे ब्याह पर ले जाएंगे, तुम देखते रहना, मैं ही घर छोड़कर अपनी जान दे दूंगी। तुम खड़े देखते रहना, ये मैं जानती हूँ कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। लोग मुझे कहेंगे मीरा तुम्हारी शादी हो रही थी और कामी वहां खड़ा गिटार बजा रहा था। I love you, मीरा। अरे जिनसे मोहब्बत हो उनके लिए लड़ना पड़ता है, सिर्फ आई लव यू कहने से मोहब्बत नहीं हो जाती। तुम्हें क्या तकलीफ है? ये तो तकलीफ है। क्यों? उसने वहां जाके मुझे घर बनाना है, मैंने उसका मैनेजर बनना है। ये कौन ये बॉन्ड शो आने जो जितने भी मैंने गिनने सारे पैसे, किसने गिनने? ये डॉलरों में बिक गए हैं। अच्छा हां, ये जो इश्क पतंग उड़ा रही हो ना तुम, ऊंची ये जब कटेगी तो सीधी पैरों में आके गिरेगी। वो तुम्हारी पतंग होगी जो कट के पैरों में गिर जाती है। नहीं सर, यूके में अड़ जाती है टावरों में, कटती नहीं। आपको पता ही नहीं है यूके का। कमजोर पतंग ना उड़ाया करो मेरी बहन, ना करो ऐसा। ये कपड़े ठीक करो, कपड़ों की भी होश नहीं आपको। मीरा को अपने कपड़ों की हर चीज की होश रहती है। पता है मुझे, लेकिन आप मेरे कामी को मत फसाएं। अगर आपके अब्बा जी को पता लग गया वो हमें यहाँ से निकाल देंगे, गायब नहीं सीख सकेगा वो। तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? कामी जाने, मामा जानी जाने, मैं जानूंगी। तुम्हें क्या मसला है? मेरी दिहाड़ी मर रही है। महक मर ने कहा 10,000 रुपए सारे कुल काम का लॉस किया। क्या सी मुझे अरे बेटा गा दो, अगर हमारा बेटा गाना सुनाएगा तो हम भी आपकी बेटी से कानूनी मामला पर बहस करेंगे। नसीब साने लेके रब ने चक्की पैंसल नाल। इससे आगे मुझे अकरम राय साहब ने इजाजत नहीं दी। गाना तो आपने सुना दिया, लेकिन इसमें सुर और ताल की कमी है। बहुत कमी है ना सर। लेकिन कोई बात नहीं, वो मेरी बेटी पूरा कर देगी। वैसे एक बात बताओ, आपकी आवाज में सच्चाई है, मुझे यकीन है कि तुम मेरी बेटी को हमेशा। आपकी बातें ठीक है, ये सच्चाई थोड़ी काम करे, यहाँ पर सच्चे बंदे को जेल में डाल देते। बाकी मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा। वैसे हमारे वक्त में तो एक ही जो है वो मसला रहता था, जब हमारी बेगम का ब्लड प्रेशर हाई होता था हम उसकी वादा से बात करवा देते, और जब लो होता था तो अपनी वादा से बात करवा देते थे। ये नया नोटा लिया है। ये इंसान है, ये भी कहता है। खाना सुनाओ भाई। मिले दे माया एक बार जिंदगी, इन्हें तो भी भूल नहीं मिली। कोई नहीं, अल्लाह की मर्जी। जस्ट जाओ। हाँ जी सुनाए। मिले दे माया एक बार जिंदगी, साडे नाल हस के गुजार जिंदगी, बिछड़ गए ते तो मैं रुल जावांगे, बस जाने दुख विच कार जिंदगी। आपके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। आइए बस सब बाकी मामला तय कर लेते हैं। बेटा जो मोहब्बत करते हैं उनके अंदर रोशनी होती है। हाँ जी, उन्हें मेले भी आता। सीरियस बात, आपको कैसे पता बाबा जी? मुझे तो वो भी पता है जो यहाँ पे किसी को नहीं पता। 21 को मियाँ साहब आ रहे हैं। बात हो रही है बेटा, ये दुनियावी बातें हमें नहीं मालूम, हम फकीर लोग हैं। अब मतलब क्या आपका होगा? तुम दोनों जिस रास्ते पे चल निकले हो उस रास्ते पे
बड़े तूफान आंधियां दुख तकलीफें उस सिसकियां आती हैं बेटा। पापा जी कुछ और भी मोहब्बत के बारे में बताएं। मोहब्बत के बारे में इस तरह बेटा कि जैसे गूंगा गुड़ खा ले और उसका जायका ना बता सके, तो गूंगा यूं तो कर सकता है। पापा जी आप तो बड़ी गहरी बातें करते हैं। घूम में रहते हैं ना। मोहब्बत की तस्बीह में सिर्फ दो ही मोती होते हैं, अगर तीसरा उनके दरमियान में आ जाए तो तस्बीह कायम नहीं रहती, धागा टूट जाता है।